हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मिस्टर मिसेस पंडित। तो बहुत दिनों से खान सर का वीडियो नहीं आया था, हाँ तो आज सोचे चलो आज फ्री बैठे हैं तो आज एक हाँ खान सर का वीडियो पे हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए और यस, जहाँ से नॉलेज मिलता है हम तो ले समेट लेते हैं। लेना चाहिए। एग्जैक्टली तो चलो हमारे साथ आप भी कुछ नॉलेज गेन कर लो। होपफुली मे बी आप ये वीडियो देख चुके होंगे, और नहीं देखे तो हमारे साथ देखो। एक्चुअली सो ये वीडियो है ग्वादर पोर्ट अटैक बाई BLA, ओके, एंड खान सर का एक्सप्लेनेशन होगा इसके ऊपर ऑब्वियसली। तो चलो देखते हैं क्या रहता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये ग्वादर पोर्ट अटैक है क्या, BLA क्या है, एंड कैसे IMF लोन टू पाकिस्तान, ये सब चीज़ के बारे में क्या मतलब है हमें पाकिस्तान पता का खान सर चलेगा। का हर वीडियो में पाकिस्तान का एक पाकिस्तान का छोटा जिक्र सा भी रहता है, टॉपिक होगा तो होगा ही। हाँ, और और हमें बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बट उससे पहले फिर दिस चैनल गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस, एंड आल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। यस, एंड आल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। या तो चलो शुरू करते हैं। यस, जय हिंद। देखिए अभी समझते हैं हम लोग ग्वादर में क्या इशू चल रहा है, और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का था ही नहीं, अचानक से कैसे वो पाकिस्तान को मिल जाता है, और जो पाकिस्तान कश्मीर है वो हमारा था, उसका आधा हिस्सा कैसे पाकिस्तान को मिल जाता है। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया हुआ था, तो उसी क्रम में यहाँ पर गोवा हम लोग को नहीं मिला। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आज़ादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं ला रहा था। 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आज़ाद करके गए। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब पाकिस्तान का ये वाला एरिया जो था ग्वादर, ये पाकिस्तान का नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था, और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था, बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आज़ादी मिली थी, तो पूरी उस समय दो जगह सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, एक ग्वादर में और दूसरा सिंगापुर में। ये लूट खसोट का अड्डा बन गया था। तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे अरसे 10 साल की हुई मीटिंग्स और वार्ताओं के बीच में ये एक लंबा मीटिंग चला कि ग्वादर बंदरगाह अब कराची को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे, और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो, $5 मिलियन में पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह, और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे, और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया। दोनों सट के आमने सामने हैं सब, दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे हैं सब यहाँ पे। तो देखा देखी पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में एगो बना दिया, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया, और सिंगापुर ने इस पर लीज लिया कि हम इसे डेवलप करेंगे। लेकिन सिंगापुर 3-4 साल तक कोई डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं, तो सिंगापुर के ऊपर फाइन भी लगाया गया यहाँ पर। और फाइनली सिंगापुर से इस डील को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं, कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से एक सड़क भी ले जाएंगे अपने देश में। अब ये सड़क POK होके जा रहा था, जो हरि सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया। भारत ने विरोध भी जताया, लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी, बहुत अच्छी, और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह वो भी डेवलप करेंगे। तो CPEC में सड़क शामिल है, बंदरगाह शामिल है, और उसमें उसके अलावे बड़ी बड़ी उद्योग शामिल है। इसी रास्ते के बीच में कोल फील्ड शामिल हैं, बिजली घर प्रस्तावित है। CPEC सड़क के पास आसपास के एरिया में डेवलप करने के लिए दो दो बड़े बड़े विंड टर्बाइन लगाए गए हैं। लगभग 11 मेगा प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसमें सोलर प्लांट के द्वारा बिजली बनाया जाएगा। तो कभी भी CPEC को ये नहीं सोच लीजिएगा लोग कि केवल वो बंदरगाह और सड़क है। दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में भी है, और ये सोलर पैनल के मामले में भी है। इसके अलावा चाइना
इसी प्रोजेक्ट के तहत सीपीसी के तहत पाकिस्तान में बहुत हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहाँ बड़े बड़े बांध बना रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो सके और बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सके। हालांकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं तो सोच रहा है इतना पैसा खर्चा हो जाता है, सोचिए इतना बनाने में अरबों खरबों लग जाते हैं। और इसी तरह से चाइना की जाल में पाकिस्तान फंसते जा रहा था, लेकिन भारत से दुश्मनी के आड़ में उसे ये सब नहीं दिख रहा था कि ये पैसे चुका कहाँ से पाएगा। और चाइना ने इस सीपीएसई प्रोजेक्ट के आड़ में हर एक चीज कब्जा करते गया, यहाँ पर इतना कर्जा दिया। उसके बाद बात आई इस बंदरगाह की, तो पाकिस्तान के लोग इस बंदरगाह को ऐसा ना बताते हैं जैसे लगता है कि ना यहीं पर सीधे फरिश्ता उतरेंगे लोग, कि दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। चुप, झूठा कहीं का, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह की गहराई कितनी है, तो भैया 14 मीटर, दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह 14 मीटर। भाई एम्स्टर्डम बंदरगाह जाओ 80 मीटर गहरा है, 14 मीटर जाएंगे। अडानी, अडानी का बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह, अडानी का मुंद्रा बंदरगाह इनसे ज्यादा गहरा है, 16 मीटर है, दुनिया का सबसे बड़ा बकलोले है सब पूरा कह रहा है सब, दुनिया का सबसे बड़ा ईयर हमारा बंदरगाह बनेगा ग्वादर बंदरगाह। 3 गो बर्थ, 3 गो प्लेटफॉर्म, जैसे रेलवे जहाँ लगती है प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ट्रेन लगती है तो पानी वाली जहाज जाती है बर्थ, ये ससुरा कहीं का 3 गो प्लेटफॉर्म बना कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा है, 3 गो बर्थ है यहाँ पर, 3 जगह जहाज लगती है, 3 गो बर्थ है। जबकि अडानी जैसा एक कंपनी है उसका मुंद्रा बंदरगाह पे 30 गो बर्थ है, तो अडानी कभी चिल्लाइबे नहीं करता है कि हमारा सबसे बड़का, ये बिना मतलब खुश हो जाते हैं। अभी 1947 में जी रहा है सब पाकिस्तान वाला। सिंगापुर में 250 बर्थ है, 250 जहाजें एक साथ लगती हैं पानी वाली, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं अपने आप को हल्ला करता है, बकलोल है ससुराल सब कुछ हल्ला कर देता है। लेकिन हाँ, ग्वादर बंदरगाह की एक ही चीज़ अच्छाई है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पे उसका लोकेशन है, इसलिए भारत इसे काउंटर करने के लिए इससे 170 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है। और यहाँ से जाहेदान तक रेलवे लाइन से हम लोग कंधार काबुल तक भले पहुँच सकते हैं, इसी के पैरेलल जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो प्रोसेस थोड़ा डीले हो गया। तो ये हो गया आपका ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर पाकिस्तान इस सीपीएसई प्रोजेक्ट में, जिसमें ये बंदरगाह भी शामिल था, ये सड़कें भी शामिल थी, इसके अलावे बिजली घर, पन बिजली परियोजना, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, मल्टीनेशनल सिटीज़, कई जो बनाया गया था उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया, 5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। इसने ऐसा ना कर्जा लिया सर कि जीरो लिखते लिखते गायब हो गए। और चाइना को ये बात पता था कि इन लोग से कहियो 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया पाएगा, तो ये बंदरगाह हथिया लेगा। जैसे श्रीलंका नहीं दे पाया तो चाइना ने कहा ठीक है मत दो श्रीलंका, हमारा तुम्हारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह हम 99 साल के लिए ले लेते हैं। वैसे ही इन लोगों से भी नहीं दिया पाएगा पैसा कहियो, तो इन लोग से भी कहेगा ठीक है हम तुम्हारा ये ग्वादर बंदरगाह ले लेते हैं, भूत उतर जाएगा इन लोग का। 5 लाख करोड़ कर्जा लिया है। अच्छा, इसके पास विदेशी मुद्रा कितना है, इसके पास पैसा कितना है पाकिस्तान के पास, 40,000 करोड़। पाकिस्तान के पास है कितना, 40,000 करोड़, और कर्जा ले ले है 5 लाख करोड़ का, केवल सीपीएसई के लिए कर्जा लिया है 5 लाख करोड़ का, अभी दुनिया से अलग लिया है 40,000 करोड़। बिहार राज्य का शिक्षा बजट है 40,000 करोड़। हमारे बिहार में, भारत में नहीं केवल बिहार में, मास्टर लोग की सैलरी, मिड डे मील, सरकारी योजनाओं में जो शिक्षा बजट है वो 40,000 करोड़ है। अभी पाकिस्तान वाला कैसे, तुमसे बस का नहीं है, चलो होली खेल लो, चलो होली खिला दी यहाँ पे, हैप्पी होली, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, अब यहाँ एक और चीज समझिए, ये इसके पास तो पैसा नहीं है, होली होली खत्म, होली खत्म, चलो रंग छुड़ा दी यहाँ, अभी तुमसे बात करना है। ये गया वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने, तो वर्ल्ड बैंक कहा हम लोग जिंदा आदमी को पैसा देते हैं, मतलब जिसको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बना, भिगमंगों को पैसा नहीं देते, भिगमंगों को पैसा देता आईएमएफ। तो आईएमएफ जो होता है एकदम लास्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो आईएमएफ ने पैसा दिया तो इसको एक शर्त रख दिया कि जो हम पैसा देंगे वो पैसा सीपीईसी के प्रोजेक्ट के तहत ना बंदरगाह सड़क किसी चीज़ पर खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम अपने पेमेंट वगैरह देने में करोगे। और चाइना ने कहा कि अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तो सीपीईसी प्रोजेक्ट बीच में ही अटक चुका है पाकिस्तान का यहाँ पर। अब पाकिस्तान, ये सीपीईसी सड़क की दो सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े आतंकवादी संगठन, एक टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा तालिबान ने कर दिया, पाकिस्तान पर कब्जा टीटीपी करेगा। टीटीपी यहाँ पर जिसको मन करता है मार देता है, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मारा यहाँ पर। जो भी चाइना के वर्कर होते हैं वो तो ऐसे ही पहचान में आ जाते हैं, सब सोच रहे खड़े सुतल रहता है, आधा आंखिए खुलता है, उनको मार देते हैं। तो यहाँ कोई चाइनीज वर्कर काम करने वाला नहीं,
चाहता ही नहीं। सेम उसी तरह ग्वादर में अभी ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया तालिब बीएलए वाले ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है। यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज है, कोयला है, तांबा है, सोना है, पेट्रोलियम है, सब इधर ही है, लेकिन यहाँ के लोगों को पाकिस्तान वैल्यू ही नहीं देता है। दूसरा, यहाँ एक धर्म के लोग पाए जाते हैं अहमदिया मुस्लिम, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान कहता है तुम मुसलमान नहीं हो। अलग बात है कोई मुसलमान है नहीं है, वो कोई बात नहीं, चलिए कोई हर धर्म के लोग रहते हैं, तो इसका कहना है कि नहीं हम तुमको गोली मार देंगे। अरे भैया वो अहमदिया है तो तुम गोली काहे मार दोगे, तुम्हारा मन है मत मानो उन्हें यहाँ पे, तो गोली ये मार देते हैं सब। तो वो सब मिल के धो दिया सब, अभी कर अभी उड़ा दिया है सब, ग्वादर बंदरगाह उड़ा दिया है सब, कोई पानी वाली जहाजें नहीं जा रही है, तीन गो तो प्लेटफॉर्म ऊपर से मार के उड़ाइए। बताइए यहाँ पे ये दोनों भाई लोग, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। देखो हमारे दुश्मन का दुश्मन, तुम्हें कोई दिक्कत उक्कत होगा तो हमारे इधर नहीं आना जी, उधर ही निपट जाना यहाँ पे। तुम लोग तो और खतरनाक है, किसी का नहीं है सभी से। तो किसी भी आतंकवादी या गुंडे उंडे से ज्यादा सहयोग नहीं लेना चाहिए। हाँ मार रहा है तो ठीक है भाई, हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहा है यहाँ पर, हम लोग को मारना रहेगा तो सेना लेके जाएंगे यहाँ पे। लेकिन टीटीपी और बीएलए ये नाक में दम कर दिए पाकिस्तान के, चाइना यहां से भाग गया, उसके पूरे वर्कर भाग गए यहां से, कहेंगे हम यहां ड्यूटी नहीं करेंगे। और चाइना का ये सीपीईसी प्रोजेक्ट 200% फेल हो गया यहां पर। और चाइना में अभी रिसेशन चल रहा है, वहां पैसा ही नहीं है, लगभग चाइना को रिकवर होने में 3 साल लगेंगे, और 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ये तो हो गया भैया चाइना का हाल। चाइना आखिर यहां आया क्यों था, चाइना का इतना पैसा डूबा क्यों? एक्चुअल चाइना का यहां बहुत बड़ा प्रॉफिट था। चाइना अगर यहां से आता, यहाँ से तो यहाँ से जब वो पेट्रोल लेके जाता था तो चाइना को एक लंबी दूरी तय करनी होती थी, और यहाँ भारत से होके जाना था, भारत यहाँ इसको आराम से धो देता, यहाँ अंडमान निकोबार में धोता, यहाँ नीचे धो देता यहाँ पर। और चाइना का जितना पेट्रोलियम है उसकी खपत इस एरिया में चाइना की पूरी फैक्ट्रीज हैं, सब सारे लोग यहीं रहते हैं, 95% चाइना के लोग इसी लाइन की इधर रहते हैं। इस लाइन को हान लाइन बोला जाता है यहाँ पर, इसके इधर ही पूरे चाइना के लोग रहते हैं, जबकि उसका पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ रखा जाता है। तो उसको पेट्रोल यहाँ से ईरान से, यूएई से, ओमान, सऊदी अरब से खरीद के इतना लंबा यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाओ, उससे अच्छा उसने देखा कि सीपीईसी बनाएंगे यहाँ, ग्वादर बंदरगाह से सीधे यहाँ पहुँचा देंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा जगह था उसका यहाँ रखने का, क्योंकि पहाड़ों के बीच में ही पेट्रोल को रखा जाता है, टंकी उंकी बनाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों के बीच में ही सुरंग बना के उसी में रख दिया जाता है। तो चाइना का ये जो ऑयल डिपो है ये तो सब यहाँ पे सिंजियांग प्रांत में है, अगर भारत यहाँ से अटैक कर दिया तो पूरा फ्यूले उड़ जाएगा। तो भारत ने क्या किया, इस सिंजियांग प्रांत में चाइना का जो ऑयल डिपो है इसको काउंटर करने के लिए ताजिकिस्तान में एक सैन्य अड्डा ले लिया। ताजिकिस्तान में हमारे सैन्य अड्डे का नाम है ऐनिया हवाई अड्डा, ऐनिया, इसी को गीसर कहते हैं या हिसार कहते हैं यहाँ पर, यहाँ फॉरखोर एयरबेस नाम है यहाँ पे, यहाँ पे हमारी वायुसेना है यहाँ पर, और यहाँ से वायुसेना अगर अटैक कर दी तो सारा इनका फ्यूल सिस्टम की सप्लाई ये तहस नहस हो जाएगी। तो ये तो हो गया, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा ये समझिए कि एक तरह का छुपा छुपाई के खेल होते रहेगा, कभी चाइना काउंटर करेगा, कभी हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन चाइना थोड़ा पैसे से मजबूत हो रहा है यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज में भी। तो ये तो एक इंडिया के बाहर की ये सब। ओके वाओ, मतलब ये वीडियो भी काफी काफी इंफॉर्मेटिव था, सारा कंसंट्रेट किया हुआ था पाकिस्तान के ऊपर ही, जो चीजें हो रही थी उनके ऊपर। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, राइट? मतलब कुछ भी वो लोग सोचते नहीं है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं है। एक्चुअली वो सोचता है कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन चाइना किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, चाइना बस अपना प्रॉफिट देखता है। एक्चुअली पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपना दुश्मनी निभाना चाहता है भारत के साथ, इसीलिए उनको उसको दिखता ही नहीं है कि कौन उसके पीठ में वार करने के लिए खड़ा हुआ है तलवार लेकर, उसको दिखता ही नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ मेरा दुश्मन भारत है बस, यही खुद भी जानता है, बच्चा अपना बच्चा होता है उसको भी वही सिखाता है, यही परंपरा से चलता जा रहा है, राइट? अपना डेवलपमेंट उनको दिखता नहीं है, उनको अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कितने चीजें हमारे लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं, उन चीजों को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है, कैसे फाइनेंशियली कैसे स्टेबिलिटी देना है, एग्जैक्टली वो सब नहीं है, वो बस कश्मीर मुझे चाहिए, कश्मीर यार जो चीज उनके पास है वो खुद लेकर के वो संभाल नहीं पा रहे, उनको कश्मीर चाहिए चाहिए। अरे पहले अपने जो देश का जो वासिया है उनके बारे में बात, उनके बारे में सोचो, उनका एडुकेशन, उनका अच्छा एक जॉब, अच्छा नौकरी, कितने सारे लोग हम तो देखते रहते हैं आए दिन, राइट? कि उनको मतलब ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, उनको ठीक से रहने का जगह नहीं मिल रहा है, मतलब
क्या बताए, ये सब चीज के ऊपर ध्यान दो यार, उसके चक्कर में मतलब हाँ कश्मीर तरफ डिस्टर्ब कर देते रहे, कभी अटैक कर देते, कभी कुछ कर देते, और सब कुछ तो आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, कोई छुपा नहीं है। आप लोगों का अर्थव्यवस्था देखिए और हम लोगों का अर्थव्यवस्था देखिए और चले बराबरी करने, पहले वो लेवल पे अपने आपको लेके आना चाहिए राइट, उसके बाद बराबरी के बात करो, तब भी आप नहीं आ सकते, बात तब कर सकते हो, बट क्या पता है इनका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो देख के मुझे जबरदस्त लगता है, जो पंच मारते हैं वो वही सबसे टॉप क्लास का मुझे लगता है, होली होली खत्म हो गया, होली खत्म हो गया। वो ग्वादर वाला पोर्ट अटैक जो था ये तो मतलब बहुत टाइम से चल रहा है, 1947 उस टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंसी मिला था उस टाइम से, बट टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ये पता नहीं था, मैं हिस्ट्री में मुझे ये ग्वादर के बारे में मुझे पता नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक इंटरनेशनल हिस्ट्री राइट, तो वो चीजें हम लोगों को उतना पता नहीं चलता है, अगर हाँ इधर उधर से पता चल जाता, लेकिन हाँ एग्जाम्स वगैरह में आ जाता है, अगर प्रिपेयर करती तब मुझे पता चलता, लेकिन अभी तो प्रिपरेशन में नहीं हूँ एंड ना ही मैं, मेरा था हिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट मतलब 10th तक ही था, तो ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सब जानना चाहिए राइट, ये देश का हिस्ट्री है ये सब चीज, इतना इंटरनेशनल कोलिजन, ये सब चीजें करंट सिचुएशन में भी बहुत हेल्प करते हैं, लाइक चाइना वाला जो केस हुआ राइट, तो वो सब चीज अभी के सिनेरियो में वो सब मैटर करते हैं, मैटर करता है। चलो ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो गाइस, कैसा लगा आपको ये रिएक्शन बताइएगा इन द कमेंट बार, एंड ये भी बताइए अगर आपको ये पहले से पता था ये ग्वादर पोर्ट अटैक, आई जस्ट वांट टू सी के किन किन लोगों को पहले से ये पता था और किन किन लोगों को ये वीडियो के थ्रू हमारे साथ पता चला। ओके सो अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं तो गाइस प्लीज 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 डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द लाइक बटन टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।